चलिए दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और जबरदस्त वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 8,000 रुपीज। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट फोन्स के बारे में, जो कि रहेंगे 8,000 से नीचे नीचे, 5,000 से लेकर 8,000 के बीच में जितने भी फोन्स हैं, सारे के सारे फोन मैं आपको सारे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फोन सबसे ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास वीडियो टाइम टू टाइम आ जाए। और दोस्तों, मैं वीडियो के अंदर लेके आता रहता हूँ बहुत सारे सरप्राइजेस, जिसमें आपको वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि वीडियो के अंदर हमें क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, फटाफट हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट किया गया है, जिसमें हमें यूजर्स के हिसाब से, यूजर्स के यूज के हिसाब से हमने डिवाइड किया है कि हमें यहाँ पर 2 GB रैम तो मिनिमम होनी ही चाहिए और 32 GB इंटरनल स्टोरेज भी इसके अंदर होनी चाहिए मिनिमम। और दोस्तों, यहाँ पर हमें स्क्रीन भी हमें बड़ी देखने को चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल हर किसी को बड़ी स्क्रीन का फोन चाहिए होता है। और इसी के साथ हमें 6 इंच की स्क्रीन का भी क्राइटेरिया रखा है कि इतनी स्क्रीन तो बेसिकली होनी ही चाहिए। और इसी के अलावा 5000 mAh की बैटरी कम से कम होनी चाहिए कि फोन ड्यूरेबल भी रहे। तो दोस्तों, लिस्ट का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस काउंटडाउन में सबसे पांचवें नंबर पे हमारे पास फोन आता है टेक्नो स्पार्क गो। तो दोस्तों, ये एक ऐसा फोन है जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर हमें हीलियो P22 प्रोसेसर हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.52 की फुल HD प्लस IPS LCD पैनल इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो इसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। रैम और रोम की बात करें तो हमें यहाँ पर 2 GB रैम और इंटरनल स्टोरेज 32 GB इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड OS की बात करें तो हमें इसके अंदर एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है गो एडिशन के साथ। फिंगरप्रिंट सेंसर इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। कैमरा की यहीं पर मैं बात करूं तो 13 MP का प्राइमरी कैमरा हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है और AI लेंस हमें 8 MP का फ्रंट कैमरा हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और यहीं पर मैं प्राइस की बात करूं तो हमें यहाँ पर 6,499 का हमें यहाँ पर इसका प्राइस देखने को मिल जाता है। 7,000 का अगर टाइट बजट है तो इस फोन के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिल जाता है और गो एंड्रॉइड इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से 7,000 के अंडर इससे बेस्ट फोन आपको नहीं मिलेगा, अगर दोस्तों आपको चाहिए हो फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। तो दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आ जाता है Redmi 8A Dual, क्योंकि इस लिस्ट में ये एक ऐसा फोन है जिसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, जिसको प्रोसेसर स्नैपड्रैगन चाहिए तो दोस्तों वो इस फोन के साथ जा सकता है। इसी के साथ इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसी के अंदर हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.22 इंच की, HD प्लस IPS LCD इसके अंदर हमें पैनल देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की मैं बात करूं तो हमें यहाँ पर स्नैपड्रैगन 439 का हमें यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। रैम और रोम की यहाँ पर मैं बात करूं तो 2 GB रैम के साथ 32 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बैटरी हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर हम टाइप सी पोर्ट हमें देखने को मिलता है। और बाकी के सारे फोन में हमें माइक्रो USB देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर हमें टाइप सी देखने को मिलता है। OS की बात करूं तो हमें यहाँ पर MIUI 11 देखने को मिल जाता है। कैमरा की बात करूं तो हमें यहाँ पर ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाता है 13 MP का प्लस 2 MP का, और 5 MP का हमें फ्रंट कैमरा इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों हमें यहाँ पर 7,499 का हमें फोन देखने को मिल जाता है। बहुत पॉपुलर है फोन, लेकिन दोस्तों हमारे लिस्ट में 4th नंबर पे है। तो दोस्तों, ये जो लिस्ट है ये मैंने परफॉर्मेंस के बेस पे बनाई है। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि फोन को ले लेते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद वो लैग करने लग जाता है। तो दोस्तों, ये जो बेसिकली वीडियो जो मैंने बनाई है इन स्मार्टफोन्स को लेकर, ये मैंने तवज्जो दी है परफॉर्मेंस को लेकर कि आगे आने वाले टाइम में आपको फोन में कोई भी लैग वाली प्रॉब्लम देखने को ना मिले। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि 6 से 7 महीने बाद फोन लैग करने लग जाता है और हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, लेकिन दोस्तों ये जो फोन की जो मैंने लिस्ट बनाई है इसके अंदर हमें 1.5 साल से 2 साल तक हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती अगर हम अच्छे से यूज करते हैं तो। तो दोस्तों, इसी लिस्ट में हमारा 3rd फोन आ जाता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। बड़ी बात यह है कि इसके अंदर हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.82 इंच की डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है HD प्लस IPS LCD। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे बड़ी डिस्प्ले इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। इसी के अलावा हमें यहाँ पर प्रोसेसर की बात करें तो हमें यहाँ पर MediaTek Helio A25 हमें इसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिलता है। रैम और रोम की बात करूं तो हमें यहाँ पर 3 GB रैम इसके अंदर देखने को मिलती है और इंटरनल स्टोरेज हमें 32 GB की देखने को मिलती है। और इसी के अलावा हमें यहाँ पर 6000 mAh की बड़ी बैटरी भी इसी के अंदर देखने को मिलती है, जिससे हमारा फोन की ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है कि हमें बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। OS की बात करूं तो हमें यहाँ पर XOS हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। कैमरा की बात करूं तो हमें यहाँ पर 32 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है और 8 MP का हमें यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो हमें यहाँ पर ये पूरा का पूरा 7,999 का, मतलब ये 8,000 रुपए का हमें ये फोन हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये फोन बहुत ही बेटर है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों, इसी वजह से हमारे लिस्ट के नंबर 3 पर आता है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं 2nd टॉप के अंदर कि 2 फोन ऐसे कौन से हैं जो सबसे बढ़िया है 8,000 के अंदर। तो दोस्तों, 2nd नंबर पे
हमारा जो फोन आता है वो है Redmi 9A, जिसके अंदर हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.53 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ तो हमें यहाँ पर Helio 625 हमें यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। रैम और रोम की बात करूँ तो हमें यहाँ पर 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बैटरी हमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। OS इसके अंदर हमें MIUI 11 का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है। और कैमरा की बात करूँ तो हमें यहाँ पर 13MP का कैमरा देखने को मिलता है और 5MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। प्राइस की दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ तो 7499 हमें इसके अंदर इसका प्राइस देखने को मिल जाता है। 7500 रुपए का ये फोन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और परफॉर्मेंस के हिसाब से और मेरे हिसाब से ये आता है सेकंड नंबर पे। तो दोस्तों हम आ गए हमारे लास्ट फाइनल फोन के ऊपर। तो दोस्तों ये जो फोन है ये हमारे टॉप लिस्ट में नंबर 1 पे रहा है। तो दोस्तों इस फोन का नाम है Realme C11। तो दोस्तों ये जो फोन है मुझे 8000 रुपए में सबसे बेस्ट फोन मुझे लगा है। ये फोन दोस्तों मैंने खुद पर्सनली यूज किया हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फोन इन सारे फोन में सबसे बेटर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमें प्रोसेसर सबसे बढ़िया देखने को मिलता है। जितने भी 4 फोन मैंने पीछे बताए हैं उन चारों से बढ़िया प्रोसेसर इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इस फोन में हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है Helio G35, जो कि सबसे ज्यादा अच्छा प्रोसेसर देखने को मिला है। पिछले 4 फोन से बेटर इस फोन के अंदर हमें ये देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो दोस्तों हमें इसके अंदर देखने को मिलता है डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.5 इंच का HD प्लस IPS LCD देखने को मिलता है। रैम और रोम की यहाँ पर मैं बात करूँ तो 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बैटरी हमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। OS की बात करूँ तो हमें यहाँ पर Realme UI Android 10 हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। बेसिकली मैं यहाँ पर कैमरा की बात करूँ तो हमें यहाँ पर ड्यूअल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलता है, जो कि 13MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को हमें मिलता है। और मैं बात करूं यहाँ पर फ्रंट कैमरा की तो हमें यहाँ पर 5MP का हमें यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों यहीं पर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो 7499 हमें इसका प्राइस सेगमेंट हमें देखने को मिलता है 7500 रुपए। तो दोस्तों ये जो फोन है मेरी लिस्ट में पहले नंबर पे सिर्फ और सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस को लेकर है। हर फोन के कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। आपको जो फोन आपको चाहिए आप उस फोन के साथ आप जा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये फोन सबसे बेस्ट मुझे लगा जो मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है, क्योंकि इस फोन को मैंने खुद पर्सनली यूज भी किया है, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और दोस्तों अगर आप अपने बजट में 500 रुपए और जोड़ते हैं तो 8000 से 500 रुपए और जोड़ के 8500 रुपए में एक नया फोन और आ रहा है, Realme Narzo 20A, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फोन है। इन सारे फोन से कहीं ज्यादा बेटर ये फोन है। Narzo 20A इज द बेस्टेस्ट फोन अंडर 8500 रुपीज ओनली। तो दोस्तों यहीं पर मैं आपको पेटीएम कैश वाउचर्स के बारे में बता दूं तो दोस्तों आपको सिर्फ करना क्या है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको कौन सा फोन सबसे ज्यादा अच्छा लगा उस फोन के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताना है, और आप ही में से किसी 2 विनर्स को पेटीएम कैश वाउचर्स मिलेंगे पेटीएम की साइड से, और उन कमेंट्स को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले भी करूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों नीचे कमेंट में आप जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन सबसे ज्यादा पसंद आया, और इसी के अलावा आपके नजर में अगर कोई इससे अच्छा फोन आपके पास हो और अगर आपको उसके बारे में पता हो तो नीचे वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।